नमस्कार मु बंदिता जेल भितर जेरा हेबे अर्चना एथिपाई पुलिस आरंभ कर देछि प्रक्रिया किंतु प्रश्न उठुछि अर्चना को जेरा बेले पुलिस केउ केउ दिग उपरे प्रश्न पचारिबो अर्चना को पॉलिटिकल लिंक रो तदंत करिबो कि नाही अर्चना को संपर्क रे थिबा अबा ब्लैकमेल रो शिकार होइथिबा राजनेता मानकु कमिश्नरेट पुलिस तदंत परिसरभुक्त करिबो कि नाही जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सूत्र मिलता सूचना अनुसार अर्चना पॉलिटिकल लिंक तदंत कर पारे पुलिस एसबुक नहीं आज प्राइम डिबेट रे आलोचना अर्चना मामला पॉलिटिकल लिंक तदंत हो अर्चना नाग वर्तमान पुलिस हेफाजत एवं जेल रे अछंती झारपड़ा जेल रे किंतु वर्तमान पर्यंत तांकु रिमांड रे ओणा जाय नाही हनीट्रैप मामला रे कमिश्नरेट पुलिस रो तदंत केउ बाटरे जाउची लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नाग को विरोध रे पुलिस बहु संगीन दफा लगाई किंतु ब्लैकमेल करबा धमक चमक दे टंका आदाय करबा ठकीबा गोपन रे कहार अंतरंग मुहूर्तर वीडियो उत्तोलन करबा कहा को अनैतिक कार्य लगवाक बाध्य अपराध रे दफा लगाई तदंत कर जन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सूत्र जमापड़ी तदंत बेले एसबु केवल अपराधिक दिग को गुरुत्वर सह नहीं पुलिस किंतु यही मामलें पॉलिटिकल लिंक को पुलिस तदंत परिसर को आणब ना अर्थात अर्चना नाग संपर्क में प्रभावशाली राजनेता को तदंत परिसर को आणब ना पुलिस सेपटे लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नाग पॉलिटिकल लिंक खोलताड़ कर नपे कमिश्नरेट पुलिस और अर्चना इमेल बहु नेता मंत्री विधायक पूर्वतन सांसद ना भी अच्छी तबे जो कथा वर्तमान शुणा मिलूँ अंपक्ष देखा टी तदंत प्रक्रिया को पुलिस वर्तमान पर्यंत पुलिस तदंत प्रक्रिया कौटना कौट प्रश्नवाची सृष्टि कर प्रथम जितेबाड़ कोर्टे हाजर होते अर्चना ता भर्चुआली हाजर होते वर्तमान जहाँ सूचना मिलूँ कि पुलिस जेरा कर रिमांड न आनी झारपड़ा जेल जाइ जेरा कर अर्चना को हे तो सेमती किसी भय रही पाए कि आशंका रखा जाए अधिक आलोचना करवा मो सहित वर्तमान अतिथि माने अवसरप्राप्त एसपी अच्छा दीप्ति रंजन राय एवं सामाजिक कर्मी सुनीता पटनायक उभय को स्वागत करोड़िया प्रथम श्रीयुक्त राय आपण आरंभ कर आलोचना को आम जो कथा नहीं कि आशंका वर्तमान करुचे जो कथा नहीं कि टी हिंट मिलला कि हुए तो पॉलिटिकल लिंक ये तदंत भितर न आसी पारे आपणकर अनुमान कौन और वर्तमान आपण को पुलिस तदंत कौन के लगुच आज्ञा तदंत प्रक्रिया शुणु तदंत प्रक्रिया पुलिस साइंस इज एन एक्जाक्ट साइंस बर्तमान आपणकर अर्चना विरुद्ध रे जो सब संगीन अभियोग लगी से अभियोगर एविडेन्स कलेक्ट करिया होची पुलिस प्राथमिक कार्य तेणु आप देखु वी आर आनसरेबल टू कोर्ट पुलिस कोर्ट को आनसरेबल एथिरे ताकर राजनैतिक अभिसंधि कौन थी राजनैतिक संपर्क थी से जिनटार के सत्यासत्य अच्छी सी गोटे कथा तेणु राजनैतिक प्रक्रिया को लेकर कोर्ट को भाराक्रांत करवा यहाँ तदंतर प्रक्रिया परिवेश भितर नुह तेणु वर्तमान पे जो संगीन अभियोगर एविडेन्स आनवा से प्राथमिकता द्वितीय आपड़ देखु अर्चना कहा ना केत बर्तमान यहाँ गोटे एमती गोटे संवेदनशील घटना हो जा कहा ना केत कह न कह केत को प्रशासनिक अधिकारी केत राजनैतिक अधिकारी कही तार किसी सत्यासत था ना तेणु से घटना को आहरी गोलिया करडेन्सटा को विक करने को तार निश्चय रद्देश कारण सी हूँ प्राइम आक्यूज इन दिस् केस बुझे तृतीय जो आप कथा कहते आज घटन कहीं पुलिस ताकु जेल भितरे ताकु करुची रिमांड न आनी शुणु एटा गोटे एते संवेदनशील घटना एटा गोटे एते उत्कंठापूर्ण हो जाइछि जनगहली एते हबो ताकु बाहरे कंट्रोल करिबा निश्चय असुविधा हबो ता छोडा ताकु आपण माने जानिछन्थि आमर न्यूज चैनल बंधु माने ताकु निश्चय क्वेश्चन पचारे से सेथुरु रक्षा पाए पई से केतबेले कहा ना कोन कहिबो किछ असुविधा सेथरे किछ तार सत्यता रहिबो ठीक अछि जेल कथा तो बुझियला सुक्त राय किंतु पूर्वरु जेतेबेले बी पुलिस को कोनोसी भी क्वेश्चन पचरा जाइछि जेते कुडे लिंक कथा आमे हाइलाइट करछु किमा मीडिया कर्मी माने हाइलाइट करछन्ती से नै कि पुलिस काई कि मुह खोलिनी जदी मेल रे डिटेल्स थिला जदी फोन चैट रु डिटेल्स आसिला पुलिस कोन पई निजे न कहिला अज्ञा तार एविडेन्स कौन आसुच्छ जनकर जनक सहित राजनैतिक संपर्क आमर
तदंत प्रक्रिया रे केते दूर सेटा सहाय्य करिवो ता विरुद्ध रे प्रथम अपराध होउची से लोकमानकु ए जौन उच्छृंखल थारे व्यवहार करी काहाकु ठकेइची काहाकु आईटी एक्ट तानार केस हेइची तेनु सेही केस कु प्रमाण करिया पे जो सत्यासत्य मिलिबो बा एविडेंस मिलिबो आज्ञा सेटा होची दरकार जहा पे पुलिस पर कोर्ट रा आमे आन्सरेबुल तेनु राजनीतिक घटना को नहीं चलने से राजनीतिक क्षय चल किंतु तार ये केस रो कनेक्शन कौन अच्छी केस रे केते सत्यासत्य अच्छी किंतु मन रखन जदि कौनसी राजनीतिक व्यक्तिर ये केस सहित संपृक्त थी कौन थी कि भिक्टिमाइज होते कि 161 स्टेटमेंट कहार आसवे कि आमर साइंटिफिक एविडेंस का सीसीटीवी आसव से मध्य प्रक्रिया को आनी 161 पचरा उचरा करवा उचित ताकू पचारे आप केस्र मेरिट बढ़ ठीक खाली ना संवेदनशील निश्चित संपृक्ति कथा सामना को जो जो लिंक संपृक्ति कथा विशेषकर राजनेता मानकर संपृक्ति पुलिस डरुची सीधा सड़क कहवाक चाहिए पुलिस डरुची सब हाइलाइट करने देखंतु मु निश्चय प्रथमतः मु निश्चय या कहिबी गोटे स्त्री लोक 4 वर्ष भितरे भड़ा घर नेकी राजवास जे पहिला भितरे पुलिस कण आखी बुझ देथिला पुलिस कण करूथिला मते कोनते पुलिस होची वॉच डॉग आमे पुलिस को वॉच डॉग एते राजनीतिक कथा दोष नै कि मु कहिबी अर्चना करबी दोष नै आपण जदि बिलेई हाथरे सिक्का देबे बिलेई निश्चय खाइबो तो सेथिपें कि आमे आपण आईन श्रृंखला को रक्षा करने आमे क्या गुरुदायित्व देचु पुलिस के देचु तो पुलिस कौन करूला 4 वर्ष भितर जन लोकर एत ग्रोथ होफिसीयर्स मान को अरेस्ट कर विजिलेंस द्वारा आपण नजर केमी अर्चना नाग आसिले जे 4 वर्ष भितर भड़ा घर नहीं कि वास पहुंची गले एटा तो गोटे छोट कथ नुह तो पुलिस कौन करूला जेहे तो पुलिस एटा को प्रशय देती पुलिस चुप रोचे अच्छा द्वितीय कथा है आपण राजनीतिक कथा एपर्त आज्ञा कहार एविडेंस कहा ना एविडेंस किसी पाए अर्चना एवं जैसे प्राइम मिनिस्टर ना कहे चीफ मिनिस्टर ना कहे जेहेतु अबिका सी हरडाण में पड़ी से समस्त को आप मानने भितर को डाकबे सी रखे लोक बुड़ी जाऊ थाए गोटे कूटा टाक भी धरने को चेस्टा कै तो ये आम फोकस करवा अर्चना जो कलाकृति पुलिस रखि बुझा नीति पुलिस 4 वर्ष कौन करूला से कहीं नजर रखलानी जे हटात कि गोटे गाँव रू गोटे लोक आसी गोटे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट लोकटे आसी एत उपर को जीवार तार मैंने कौन पचर रहस्य सूचना सूचना कि अर्चना पॉलिटिकल लिंक जहाँ केवल मीडिया हाइलाइट अदर सोर्स रु जहाँ शुणा को मिलू से सब को पुलिस घाटुनी पुलिस केवल घाटुची विरोध में जहाँ अपराधिक मामला अच्छी ब्लाकमेलिंग है किंबा अन्य किसी ठके किंबा कहा को धमकेबा है ये सब केस को पुलिस वर्तमान इन्वेस्टिगेशन आज्ञा आप गच्छ को बड़ हवा को खरा पा पवन दे आपड़ित गई तो पुलिस नजर से बड़ी पुलिस नजर से ब्लाकमेल कर पुलिस नजर से ह्यूमन ट्राफिक कर तो पुलिस कहा को नहीं पुलिस पाखे ठिया हम किए पुलिस कौन इन्वेस्टिगेट कर पुलिस तो निजे प्रशय देना गोटे लोक जो बड़ हूँ आप सरकारी कर्मचारी कहीं विजिलेंस अरेस्ट करते कौन कलाधन तो अचानक एत बड़ हेले और पुलिस कौन करूला निश्चय आसतिब एफआईआर निश्चय आजिकल युग में आज्ञा एफआईआर देते पुलिस एफआईआर रखुना कारण बहुत लोग जानना एफआईआर देखा फर्स्ट हैंड कॉपी निजे रिसीव करिया कथा पुलिस कहते हाँ आम लिखल आप जातु तो एथरे मु कहिबी मूल मंत्र होची पुलिस रो जिए एटा को बड़ हवा को देची मु कोनोसी राजनेता को ब्लेम करबिनी कोनोसी ऑफिशियल्स को ब्लेम करबिनी इवन अर्चना ना को भी मु ब्लेम करबिनी कारण सी त भूल काम करिवे किंतु पुलिस रो सपोर्ट पाइचन से पुलिस काईस पर अलर्ट रहिलानी कोन पे रहिलानी कोन करूथिला पुलिस रो काम कोन खाली से सब नै कि त वर्तमान समस्त को मन रे प्रश्न कि पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन एते लास्ट मूवमेंट रे फास्ट केमती कौन हो गला बहुत गुड़े प्रश्न बर्तन सामना कर अधिक आलोचना करी कि पूर्व गोटे छोट ब्रेक नहीं जीवा ब्रेक पर खूब शीघ्र फेर आलोचना को
ओटीएम पुनरुद्धार प्रसंग ओटीएम पुनरुद्धार पर राज्य सरकार देवे 115 कोटी टंका ए निर्देश देछंती हाई कोर्ट 30 दिन मध्यरे एही अर्थ ऑफिशियल इक्विटेटर निकटरे दाखल हेबो ए अर्थ दाखल करिवे बोली कोर्टंक अवगत कराइछंती एडवोकेट जनरल अक्टोबर 18 तारीख रे मामलार परवर्ती सुनानी हेबो सेहीपरि क्वार्टर गुडी करे विद्युत संयोग प्रसंग को नै कोर्ट रे भी सुनानी होईछि क्वार्टर गुडी करे विद्युत संयोग नै कर्मचारी क समस्या को तुरंत समाधान करबा को ऑफिशियल इक्विटेटर को कोर्ट निर्देश देछंती ऑफिशियल इक्विटेटर कर्मचारी कथा सुनुनथुबा नै आवेदनकारी अभियोग करथिले पूर्व सुनानी रे श्रमिक मानक प्राप्य एवं देय संपर्क रे सत्यपाठ दाखल करबा को कोर्ट निर्देश देथिले बीएससी अध्यक्ष एसएस मुंद्रांक साक्षात करबा सहित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे बेल बजाइछंती मुख्यमंत्री दिन 11:00 बजे ओपनिंग बेल रिंग उत्सव रे मुख्य अतिथि भाबे जोग दे बेल बजाइछंती मुख्यमंत्री दलाल स्ट्रीट रे थिबा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नवीन कर हेथिला प्रथम गस्त बीएससी रे बेल बजाइ खुशी थिबा कहिछंती नवीन घंटी बजाइबा मो पई भलो अनुभूति निवेशकंक ध्यान आकर्षण करिबा लक्ष्य बोली कहिछंती नवीन साधारणतः स्टॉक एक्सचेंज रे कोनोसी कंपनी रो लिस्टिंग हेले किंबा आईपीओ इश्यू हेले कंपनी रो कर्मकर्ता ओ प्रमोटर बेल रिंग करिथांती एहा सह कोनोसी विशिष्ट व्यक्तिंकु बीएससी बेल बजाई स्वागत करिथाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे ओडिसा रो कोनोसी मुख्यमंत्री बेल बजाइबारे नवीन हेउछंती प्रथम बहुचर्चित जाजपुर शिशुकन्या पिहू निखोज घटनार सीबीआई तदंत दाबी एही दाबी करि राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन कार्यालय आगे अनशन रे बसिछंती पिहूर माँ मोनालिसा नायक से अभियोग करिछंती जे पुलिस तदंत उपरे तांकर भरोसा नाही तत्कालीन आईआईसी और तदंतकारी अधिकारी शिथिल तदंत लागि तांकर छुआर पत्ता मिली पारिनी एनेइ से डीजीपी एसपी ठारु आरंभ करि राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशनर बारंबार दृष्टि आकर्षण करिथिले किंतु किछि फल हेला नाही गत मास 29 तारीख रे से कमिशनर पाखकु आसी साक्षात करबा सहित घटनार सीबीआई तदंत दाबी करिथिले आउ 14 दिन भितरे पदक्षेप नेबाकु अनुरोध करिथिले किंतु 17 दिन परे कमिशन किछि पदक्षेप न नेथिबारु से बाध्य होई अनशन को ओल्लाइथिबा कहिछंती पिहु संपर्क रे सठिक सूचना देले 5 लाख टंका पुरस्कार दियाजिबो बोले राज्य पुलिस घोषणा करिछि रसुलगढ़ ब्रिज उपरे फिल्म स्टाइल रे दुर्घटना बाइक को द्रुतगति रे पिटिला कार पोलो उपरु तळकु छिटकी पड़िले बाइक चालक भुवनेश्वर कटक आड़कु जाउथुबा बेले रसुलगढ़ ब्रिज उपरे बाइक रे जाउथुबा दंपति को पछआड़ू पिटिथिला एक कार तळकु छिटकी पड़िथिबा बाइक चालक को उद्धार कला पुलिस दुर्घटना परे कार ड्राइवर को अटक रखिथिला पुलिस बहुचर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्वेता मृत्यु मामला को मासे पुरीथिबा बेले पुलिस तदंत आरंभ करिछि पुरुष बंधु सौम्यजित महापात्र को अटक रखि पचराउचरा करिछि पुलिस डायरी तथ्य और व्हाट्सएप चैट को नै जेरा होइछि श्वेतांक बापा और भाई को मध्य चंद्रशेखरपुर पुलिस पचराउचरा करिछि घटनार संपूर्ण विवरणी पई पुरुष बंधु सौम्य को अटक रखिछि पुलिस ए मामला रे पुलिस चार्जशीट दाखल करबा को जाउथुबा बेले एहा पूर्वरु सौम्यजित को पचराउचरा करा जैतिबा अनुमान करा जाउछि अगस्त 19 तारीख रे विलंबित राति रे श्वेता आत्महत्या करथिबा अभियोग होइथिला पुणि चर्चा रे उत्तर प्रदेश रो लक्ष्मीपुर खेरी एमिति घटना जहां खिलाई दैथिला चांचल्य दुई भौणी को सह दुष्कर्म परे हत्या केवल सेतिक नुहे हत्या परे दुई भौणी को गछरे टांगी दैछंती अभियुक्त जहां कुनि स्थानीय अंचल रे चांचल्य घटना रे 24 घंटा मधरे एक्शन लेछि पुलिस दुष्कर्म और हत्या घटना रे पुलिस 6 जन को गिरफ्त करिछि सूचना अनुसार 4 जन सहयोगी सहायता रे दुष्कर्म और हत्याकांड करिथिबा 2 जन अभियुक्त को विवाह करिबा लागि 2 भौणी को बाध्य करा जाउथिला गणमाध्यम को लक्ष्मीपुर खेरी रो पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजीव सुमन बिरतपुर स्वागत पुणि थरे आलोचना को आसीबा सुप्त राय जो प्रश्न मु आपन को पचारथिली ब्लैकमेल जो सब नेतांकर संपृक्ति कथा सामना को आसथिला जो सब मुख्य स्रोत रे थिबा पॉलिटिकल विंग रे थिबा समानकर लोकंकर ना सामना को आसीथिला जो सब चित्र सामना को आसीथिला से सब फुटेज किंबा से सब फोटो को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने प्राइम एविडेंस हिसाब रे नै कि निज आडू तदंत रे समानक इंक्लूड करि पारिबो कि ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ସେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକମତ ସହମତି ହେଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦିଓ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଘଟଣାଟି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ କେହି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ମିଳେ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କଠୁ ଖବର ମିଳିଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସିଲେ, କେହି ବାହାରକୁ ନ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରୁ ନ ପାଇଲେ କେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଆଣିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେତିକି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯଦି ବାହାରିବ, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ବି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 161 କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପୁରା ତାକୁ କିଛି କରାଯିବନି। ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସେଥିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇକି ତାକୁ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ରାୟ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେମିତି କେହି ନେତା କିମ୍ବା ଯଦି ସେମିତି କେହି ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଭିଡିଓରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜଟା ଯଦି ଅଫିସିଆଲି କରାଯାଉଥିବ, ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ, ସେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ନଲେଜ୍ ଓଭର ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର, ତାକୁ ସେତିକି ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ର କ୍ଷତି କରିବ, ଆମର କେସ୍ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ, ସେ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ା ତା'ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ, ସେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସୁନିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାରୁ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଫେସବୁକ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ତ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଭର୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଗଲା କୋର୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜେରା କରାଯିବ, ଯଦି ଜେରା କରାଯିବ, ଯଦି କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ, ଯେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ତା ପ୍ରପର ୱେରେ ନ ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହମତି ନୁହଁ, ପୋଲିସ ଜାଣିନଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ, ରାତି 12ଟାରେ ତ ବାପା ମାସରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ବାହାରିଲା। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆପଣ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହିବେ ଯେ କୋଉ ଲୋକମାନେ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନଥିବେ, କୌଣସି ଲୋକ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ମନକୁ ଯାଏନି, ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଦଶହରାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଢ଼ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ରେ, ସେ କେବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ପୋଲିସ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଏମିତି କଣ କେହି ଲୋକ ନଥିବେ ଯିଏ ନେଇଥିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିକା ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟୀ, ପେରେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ନା ଟିଚର ଦାୟୀ, କାରଣ ଟିଚର ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା 40 ମିନିଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବସୁଛି, ଆଉ ଟିଚର ତାକୁ ମାର୍କ କରୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି? ସେମିତି ପୋଲିସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ ଡଗ୍, ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। କେହି ତା ସାହି ପଡିଶା କେହି ଲୋକ ମୁହଁ ପିଟଉନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାହାର। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପବନ ଦେଇ ଗ୍ରୋ କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୋ କଲେ ଅବିକା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟଗ୍ରେସନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ କିଏ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି? ଯଦି କେହି ନେତା ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଜମା ଧରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆଲର୍ଟ ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି, ବହୁତ ହି ଆଲର୍ଟ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଠି ପୋଲିସଙ୍କର ହଉଛି ମେନ୍ ଦୋଷ,
ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଝିଅକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ କେମିତି ଦେଲ, ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ କେମିତି ହେଲା 4 ବର୍ଷରେ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଆର୍ ୟୁ ସ୍ଲିପିଂ ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରଙ୍କ? କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ଯୋଉ କହନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ସ୍ପେୟାର ରଡ୍ ୟୁ ସ୍ପଏଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆପଣ ସବୁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି କିଛି? ଏମିତି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନଥିଲେ? ଏଠି କଣ ହେଲା ସାର୍? ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରୁ ମାନେ ଯୋଉ ସାରୁଖରୁ ମହାଦୟ ବାହାରିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ କଥା। ଆପଣ ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ପୋଲିସର, ପୋଲିସ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କେହି ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଆଣି ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ନିହାତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ୍ରେ ଚାଲିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କି ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ କେସ୍ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦିନକୁ ଦିନ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲିସ ହାତରେ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସର କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି। ବିଲକୁଲ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।